प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मेरा नाम है महेश पलावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है रीजनल वेदर अपडेट। इसमें हम किसी पर्टिकुलरली इलाके के बारे में बात करते हैं, तो आज हम दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वेदर एक्टिविटी खास करके मध्य भारत में तो कुछ नहीं है, लेकिन उत्तर भारत दक्षिण भारत में वेदर एक्टिविटी है, यानी कि बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। तो अब अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में पिछले कुछ दिनों से साइक्लोनिक सर्कुलेशन तमिलनाडु के ऊपर बना हुआ था, कभी कोमरिन एरिया में आ रहा है, कभी वो श्रीलंका के आसपास आ रहा है, यानी कि इधर उधर थोड़ा बहुत ये मूवमेंट इसके दिखाई दे रहे हैं हमें। तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी श्रीलंका के पास बना हुआ है और दूसरा लक्षद्वीप के आसपास बना हुआ है। इन दोनों के बीच में एक ट्रफ रेखा केरल और दक्षिण तमिलनाडु होकर के गुजर रही है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट नहीं हुआ है, लेकिन जो बारिश की गतिविधियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। इनको एक तरह से, यानी मानसून सेट होने से पहले जो वेदर एक्टिविटी होती है उसकी तरह देखा जा सकता है। तो केरल में आज जैसे कि जो डेट है 23 तारीख है, तो 23 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बढ़ने वाली हैं, थोड़ी बहुत बढ़ेंगी, और ये 25 या 26 तारीख तक केरल के कई भागों में बारिश रहेगी, लेकिन जो धुआंधार बारिश होती है, यानी 150-200 मिलीमीटर की बारिश नहीं होगी, 30 से 40 मिलीमीटर और कहीं हो सकता है 50 मिलीमीटर की बारिश हो जाए, लेकिन इतनी बारिश भी कभी कभी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं केरल के वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हो गए हैं, यानी कमजोर पड़ गए हैं लगातार बारिश के कारण, और सेचुरेशन हो चुका है जो बाढ़ आई थी उससे, और अगर तेज बारिश कहीं होती है तो एक बार फिर ये लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की आशंका बनी हुई है इस इलाके में। हालांकि बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, पैनिक होने वाली बात नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा भारी बारिश नहीं होगी। आंतरिक तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी रहने वाली हैं, मदुरई वगैरह में, कोयम्बटूर, नीलगिरी हिल्स, इन सारे इलाकों में, नामांकल वगैरह में, लेकिन जो कोस्टल एरियाज है उस इलाके में लाइट टू मॉडरेट रेन ही दिखाई देगी। अनंतपुर में भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी रहेंगी, यानी कि अनंतपुर, चित्तूर, कडप्पा, नेल्लोर, इन इलाकों में भी बारिश हो सकती है, यानी कि रायल सीमा में जो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके हैं इन इलाकों में, और दक्षिणी कर्नाटका में भी जैसे कि मैसूर, बेंगलुरु, चामराजनगर, चिकबालापुर, मांड्या, मेडिकरी, कोडागु, ये जो इलाके हैं, तुमकुरु वगैरह, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश है, मूसलाधार बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में, अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगी, उसके बाद बारिश कम हो जाएगी, और जो बाकी इलाके हैं गडग हवेली वगैरह जो ऊपर के इलाके हैं नॉर्थ इंडिया कर्नाटका के, इस इलाके में बारिश नहीं है। हैदराबाद, निजामाबाद, वारंगल, आदिलाबाद, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां ना के बराबर है, यानी कि दक्षिण भारत में केवल इसी इलाके में बारिश रहेगी। अब मध्य भारत की अगर हम बात करें तो मध्य भारत में भी अभी कोई भी वेदर सिस्टम नहीं है, पूरी तरह से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और साउथ राजस्थान शुष्क रहेंगे, और तापमान जो मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखिए हवाएं साउथ वेस्टर्ली यानी समुद्र से आ रही हैं जो नमी लिए हुए हैं, और नमी वाली हवाओं में थोड़ी सी उमस रहती है और वो जो मिनिमम टेम्परेचर उसको थोड़ा सा बढ़ा देती है। हालांकि बादल नहीं छाएंगे, गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं, बाकी इलाके शुष्क रहेंगे। सबसे अच्छा जो वेदर सिस्टम है वो इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है जो जम्मू कश्मीर और उत्तरी पंजाब में बना हुआ है। तो आज जो 23 तारीख है तो हमें उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियां बहुत अच्छी होने वाली हैं कई इलाकों में, खास करके जो पंजाब के कई इलाकों में तेज बारिश होगी, जम्मू कश्मीर में भी जैसे कि माता वैष्णो देवी, कटरा, जम्मू, उधमपुर, इन इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है, और जो श्रद्धालु अगर वैष्णो देवी जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, 24 तारीख के बाद यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा और उस समय आप आनंद उठा सकते हैं यात्रा का, तब तक के लिए थोड़ा आपको यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है। पंजाब में भी बारिश काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, हालांकि हरियाणा में बहुत ज़्यादा भारी बारिश नहीं होगी, कल होते होते हरियाणा और पंजाब में बारिश कम हो जाएगी और दिल्ली में बारिश की गतिविधियों में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। आज राजस्थान के भी कई जिलों में, जैसे कि पहले भी हमने बताया था, हनुमानगढ़, चुरू, गंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर और जो जोधपुर, जैसलमेर, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं हमें। बहुत ज़्यादा भारी बारिश तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जो उत्तर पश्चिमी जिले हैं इस इलाके में बारिश अच्छी हो सकती है। तो ये जो स्नोफॉल है बहुत अच्छा होगा, और जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाएगा, जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाता है तो एक ही फंडा है, मतलब कि आप अगर इसको आसान भाषा में समझना चाहें तो जब भी अब ये पूरी सर्दियों में फरवरी तक जब भी पश्चिमी विक्षोभ आएंगे तो जो उत्तरी हवाएं हैं वो रुक जाएंगी और ये हवाएं बदल जाएंगी और उससे जो सर्दी है सुबह और रात की थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि जो ठंडी हवाएं हैं, बर्फीली हवाएं रुक जाती हैं और उस ये जो हवाएं बदलती हैं इसके डायरेक्शन से जो मिनिमम टेम्परेचर है 2 या 3 डिग्री बढ़ जाते हैं।
और जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला जाता है तो फिर उत्तर पश्चिमी हवाएं या उत्तरी हवाएं जहां बर्फबारी हो चुकी होती है वहां से आती हैं और तापमान को गिराती हैं। तो यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो सर्दी कम हो जाती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकलता है तो सर्दी बढ़ जाती है। तो इस तरह का वेदर अपडेट लगातार होता रहेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।